तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माइंड एस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास रियल मी का कोई भी हैंडसेट है, जी हाँ दोस्तों, रियल मी का कोई भी हैंडसेट है, चाहे वो C2 हो, C3 हो, 5 हो, 5 प्रो हो, 5i हो, 6 हो, 6 प्रो हो, 7 हो, 7X, कोई सा भी सीरीज है, चाहे वो नार्जो का ही क्यों ना हो, रियल मी का कोई भी स्मार्टफोन अगर आपके पास है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उस स्मार्टफोन का पैटर्न, पासवर्ड, पिन, कुछ भी, कोई सा भी लॉक हो, उसको बहुत ही आसानी से आप अनलॉक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही गौर से देखिएगा, पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कैसे आप जो है अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बार जो हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो स्मार्टफोन है, इसमें कुछ इस तरीके का आप यहाँ पे डिस्प्ले में देख रहे हैं कि लॉक लगा हुआ है, और जब तक करेक्ट जो है यहाँ पे पासवर्ड, पैटर्न वगैरह अगर आप नहीं डालते हैं, तब तक आप खोल नहीं पाते हैं। बहुत बार अगर आप रॉन्ग पासवर्ड, पैटर्न डाल देते हैं तो यहाँ पर टाइमर शुरू हो जाता है सेकेंड का। बहुत लोगों का ये मैंने देखा है कि 1000 सेकेंड, 2000 सेकेंड, 3000 सेकेंड तक आगे जा चुका है, और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भी दिया है, छोटा सा वीडियो क्लिप भी बना के मेरे साथ शेयर किया है कि ऐसा ऐसा दिक्कत जो है फेस करने को मिल रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम था वो मैंने भी एक बार फेस किया था, तो इसके ऊपर स्पेशली ये वीडियो बन रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि कैसे आप जो है इस स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपका जो डेटा है वो भी बच जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए नीचे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखते हैं, एक तो बैक और एक इमरजेंसी कॉल का है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देख लीजिए कि आपका जो बैटरी परसेंटेज है, ये आप हमेशा चेक करते रहिए कि आपका जो बैटरी परसेंटेज है वो 50 से ऊपर होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे 90% बैटरी है और बचा हुआ है, और देखिए यहाँ पे इसमें सिम कार्ड भी लगा हुआ है, तो सिम कार्ड जो है लगा के ही रखना है। और अगर आपने सिम कार्ड निकाल लिया है तो फिर आपको इसके लिए दूसरा वीडियो देखना होगा, ये वीडियो विदाउट सिम वाले के लिए नहीं है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायलर पैड आ गया है, इमरजेंसी कॉल ओनली यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें गूगल का जो है FRP अनलॉक करना होगा। तो ये जो मैं कोड यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ये कोड इंटर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर ये कोड इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो यूनिक कोड यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस कोड के थ्रू आप जो है अपने गूगल के FRP को अनलॉक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर मैं इसको यहाँ पर अब चेंज कर रहा हूँ, और ये कोड जो है 15 जुलाई तक वैलिड है, ध्यान रहे 15 जुलाई के बाद ये कोड काम नहीं करेगा। और जैसे ही नया कोड अगर आता है तो आप मुझे कमेंट करें, जिस महीने में अगर आप देख रहे होंगे, मान के चलिए कि आप 2 महीने बाद अगर ये वीडियो देखते हैं तो उस समय का आप डेट जो है मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमारा इंस्टाग्राम का ID माइंड डेस्क है, वहाँ जाकर आप सर्च कर सकते हैं, और नहीं तो कमेंट कर लीजिएगा, कमेंट में भी आपको नया कोड जो है मैं आपको बता दूँगा। तो ऐसा करते यहाँ पर ये देखिए ये कोड है, अब इसको आपको कॉल कर लेना है 5 टाइम, मिनिमम जो है 5 बार हमें इसको कॉल करना है कुछ इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे इसको 5 बार जो है कॉल कर लिया है, ज़्यादा हो जाए कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर दे दिया हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को बैक करके आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही हमने गूगल के FRP को अनलॉक किया, अब जो है हमें अपने स्मार्टफोन के डेवलपर ऑप्शन को कम्प्लीटली यहाँ से बंद करना है। जी हाँ दोस्तों, हमारे फ़ोन में जो डेवलपर ऑप्शन है वो हम लोग गलती से ऑन कर देते हैं। अगर जिन लोगों ने ऑन नहीं भी किया है तो वो लोग भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो फाइनली बंद ही होने वाला है। तो ये कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोड है आपके स्मार्टफोन के डेवलपर ऑप्शन को बंद करने का। कम्प्लीटली आप जो है इससे अपने स्मार्टफोन के डेवलपर ऑप्शन को बंद कर सकते हैं। तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ सेकंड का समय है आपके पास। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम नए नए वीडियो को अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए यहाँ पर अब जो है नेक्स्ट स्टेप की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे एक बार रिमूव कर देंगे,
और एक चीज़ और मैं आपको ये बता दूं कि रियलमी के जितने भी पुराने स्मार्टफोन हैं, ठीक है, रियलमी के जितने भी पुराने स्मार्टफोन हैं उसमें आपको डेवलपर ऑप्शन वाला कोड हमेशा यूज करना है, जो कोड मैंने आपको दिया था। लेकिन कब यूज करना है? जब आपको अपना डेटा नहीं बचाना है, तो ये कोड आप लिख लीजिए, आपको अपना डेटा बचाना होगा तो ही। अगर डेटा नहीं बचाना है तो फिर यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको दूसरा कोड दे रहा हूँ। इस कोड के थ्रू आपको क्या करना है, ये फुल्ली रिसेट वाला कोड है। इस कोड के थ्रू आप जो है आपका कोई भी डेटा फुल्ली क्लीन हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा। जिस तरीके से आपने नए में स्मार्टफोन को परचेज किया था उस तरीके से हो जाएगा। तो दोनों कोड आपके पास है, आप इसको लिख लीजिएगा और आपका जैसा भी मन करे उसी टाइप से आप इन सभी कोड को आप बाई डिफ़ॉल्ट यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखिएगा कि बैटरी का परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, 50 से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल लाइव मैं आपको इस चीज़ को इसीलिए दिखा रहा हूँ। ओके, तो अब हमें यहाँ पे ये कॉल करना है क्योंकि हमें अपने फ़ोन का डेटा नहीं चाहिए। ये आपके ऊपर है, आपको अगर डेटा चाहिए तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सेकेंड जो है मैथड अब कम्प्लीट हो गया है। थर्ड मेथड की ओर हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है कि अपने फ़ोन के, जी हाँ दोस्तों, अपने फ़ोन के जितने भी फिंगरप्रिंट हो, पैटर्न हो, जब से हमने सेट किया है। तो होता क्या है हमारे स्मार्टफोन में, जैसे फाइल मैनेजर होता है जिसमें हम लोग फ़ोटोज वीडियोज को स्टोर करके रखते हैं, उसी तरीके से एक सेक्शन होता है जहाँ पर हमारा पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, ये सब जो है एक जगह कम्प्लीटली स्टोर करके रखा हुआ होता है। तो वहाँ से हम जो है फुल्ली इसको क्लीन कर देंगे, जो कि मेन बोर्ड वर्जन में जाके हम लोग करते हैं। वहीं पे जो है की स्टेटस का ऑप्शन होता है और वहाँ पे जाने के बाद हम जो है अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं और जो भी पैटर्न पासवर्ड हमने लगाया था वो कम्प्लीटली हमें वहाँ पर हटा देना है उस ऑप्शन में जाके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए, ये कोड हमें यहाँ पे अप्लाई करना है और हैज यहाँ पे दबाना है। तो जैसे ये कोड आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन खुल गया जो कि इंजीनियर मोड के नाम से जाना जाता है, और इसी इंजीनियर मोड के थ्रू आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि यहाँ पे मैनुअल टेस्ट आप देख रहे हैं। इसी ऑप्शन के अंदर में आपको मिलता है की स्टेटस, जहाँ पे हमारे जितने भी सिक्योरिटी कीज हैं सब के सब यहीं पे स्टोर करके रखे होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है। लेकिन क्लिक करने से पहले आप एक बार और सुन लीजिए कि यहाँ पे अगर आपका मेन बोर्ड वर्जन आप देख रहे हैं, नीचे रीडिंग रिसेट कम्प्लीट इंडिकेटर का ऑप्शन आता है। तो जैसे यहाँ पे रीडिंग रिसेट कम्प्लीट इंडिकेटर का ऑप्शन है तो आपको मेन बोर्ड वर्जन अगर है तो ही आपको इसको क्लिक करना है। अगर आपका डेटाबेस वर्जन है, CPH है, तो आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। और अब जो है आपको तुरंत की स्टेटस वाले ऑप्शन पे कुछ इस तरीके से क्लिक करना है और जितने भी तरीके के आपके सिक्योरिटी कीज वाले ऑप्शन थे सब के सब हमने यहाँ पे कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। हमारे स्मार्टफोन में कोई भी फिंगरप्रिंट, पैटर्न, पासवर्ड कुछ भी यहाँ पे अभी आपको दिखने वाला नहीं है, सारे के सारे ऑटोमेटिक इरेज हो चुके हैं। और डेटा का ध्यान रखिएगा, डेटा के लिए मैंने अलग कोड दिया था और फुल रिसेट के लिए अलग कोड दिया था। अब हमें क्या करना है, इस यहाँ पे बीच में एक ऑप्शन ऊपर करना है, स्लाइड करना है और देखेंगे कि आपका जो स्मार्टफोन है वो कम्प्लीटली रिमूव हो गया है और यहाँ पे फुल्ली का फुल्ली क्लीन हो गया है। तो कैसा लगा ये मेथड, आप हमें ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप जो है हमें संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।